शिवसेना भाजपमध्ये मुख्यमंत्री पदावरून झालेल्या राड्यानंतर भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं. आम्ही आधीच सांगितलं होतं देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री असतील, त्यावेळी शिवसेनेनं आक्षेप का घेतला नाही असा सवाल करत अमित शहा यांनी सेनेच्या नव्या मागण्या मान्य नाहीत असं स्पष्ट केलंय. पाहुयात अमित शहा नेमकं काय म्हणाले. उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय को 8:30 बजे तक रुकने का कोई औचित्य ही नहीं. लेकिन इतनी जल्दी क्या थी, मतलब अगर जैसे अरुणाचल में या गोवा में बहुत वक्त दिया जाता था तो फिर ऐसे क्यों था कि इतनी जल्दी क्या थी? कहीं पर भी इससे ज्यादा समय नहीं दिया, यहाँ जल्दी नहीं की गई, 18 दिन का समय दिया है न्योता देने के बाद. पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, पूरी प्रक्रिया मैं बताता हूँ कि असेंबली की नोटिफिकेशन के बाद 18 दिन तक राज्यपाल ने राह देखी और 18 दिन तक कोई भी पार्टी अथवा पार्टियां अगर उनके पास बहुमत है तो राज्यपाल को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं. न्योता देने का तो तब समय आया जब विधानसभा की अवधि समाप्त हो गई. 9 तारीख को विधानसभा की अवधि समाप्त हो गई, विधानसभा के 5 साल समाप्त हो गए तो राज्यपाल को एक्शन लेना होता है. तो उन्होंने हर एक पार्टी को लिख कर रिकॉर्ड के लिए पूछा, अन्यथा जब विधानसभा नोटिफाइड हो जाती है और उसकी अधिसूचना बाहर आने के बाद तुरंत ही कोई भी पार्टी अथवा पार्टियों का समूह बहुमत बनाकर राज्यपाल महोदय के पास जा सकता था. ना शिवसेना गई है, ना NCP गई, ना कांग्रेस गई, ना हम बना पाए हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी बनाई है, तो राज्यपाल क्या करते हैं. और दूसरी बात, ये कह रहे कि हमें 1 दिन दिया, हमें 2 दिन दिया, सबको समय ही दिया है भाई. अब समय है ना, आज भी अगर किसी के पास बहुमत है तो राज्यपाल महोदय का संपर्क करके वो दावा कर सकता है. देखिए, राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि जब सरकार बननी चाहिए, है ना, कर्तव्य ये होता है कि सभी पार्टियों को एक अपॉर्चुनिटी दें कि सरकार बने, और वो जानते थे कि सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और अगर भंग नहीं कर रहे तो फिर राष्ट्रपति शासन लाने की क्या जरूरत. इसलिए जरूरत थी कि आरोप ये भी लग सकता है कि अन्यथा आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, टेम्पररी सरकार को चला रहे हैं. और जहां तक लोगों को मौका देने का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ स्मिता जी, आज भी मौका है, आज भी वो इकट्ठा होकर अभी जा सकते हैं राज्यपाल के पास. अगर संख्या है तो, संख्या है तो संख्या बतानी पड़ेगी. अगर संख्या बन जाती है तो कोई भी, आज भी हम भी संपर्क करते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं, मौका न देने का सवाल ही कहाँ है. तो क्या आप संपर्क करेंगे, क्या आपके बैकग्राउंड? देखिए, मैं इस बात पर नहीं हूँ, मैं इस बात पर हूँ कि इस मुद्दे पर विपक्ष कोरी राजनीति कर रहा है और एक संवैधानिक पद को राजनीति के अंदर इस तरह से घसीटना मैं नहीं मानता, लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा है. और जिनको भी मौका चाहिए उनको आज भी मौका है, उल्टा उनको तो 2 दिन मांगते थे, हमने 6 महीना दे दिया है. मैं आज कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने सबको 6 महीने का समय दे दिया, बनाओ भाई सरकार. तो जो शिवसेना कह रही है कि ये एक तरफा फैसला था राज्यपाल का, क्या आप उसे बिल्कुल ही? मैं मानता हूं कि राज्यपाल महोदय ने उचित ही काम किया है, क्योंकि आज भी सभी लोग सरकार बना सकते हैं. अगर बहुमत है तो आज तक नहीं गया, चलो 1 दिन की जगह 2 दिन करते, आज ये तो 5वां दिन है शिवसेना को मौका दिए हुए. आपको मौका है, असेंबली की नोटिफिकेशन के बाद 18 दिन तक राज्यपाल ने राह देखी और 18 दिन तक कोई भी पार्टी अथवा पार्टियां अगर उनके पास बहुमत है तो राज्यपाल को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं. न्योता देने का तो तब समय आया जब विधानसभा की अवधि समाप्त हो गई. 9 तारीख को विधानसभा की अवधि समाप्त हो गई, विधानसभा के 5 साल समाप्त हो गए तो राज्यपाल को एक्शन लेना होता है. तो उन्होंने हर एक पार्टी को लिख कर रिकॉर्ड के लिए पूछा, अन्यथा जब विधानसभा नोटिफाइड हो जाती है और उसकी अधिसूचना बाहर आने के बाद तुरंत ही कोई भी पार्टी अथवा पार्टियों का समूह बहुमत बनाकर राज्यपाल महोदय के पास जा सकता था. ना शिवसेना गई है, ना NCP गई, ना कांग्रेस गई, ना हम बना पाए हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी बनाई है, तो राज्यपाल क्या करते हैं. और दूसरी बात, ये कह रहे कि हमें 1 दिन दिया, हमें 2 दिन दिया, सबको समय ही दिया है भाई. अब समय है ना, आज भी अगर किसी के पास बहुमत है तो राज्यपाल महोदय का संपर्क करके वो दावा कर सकता है. देखिए, राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि जब सरकार बननी चाहिए, है ना, कर्तव्य ये होता है कि सभी पार्टियों को
क्या आप उससे उसे बिल्कुल ही मैं मानता हूं कि राज्यपाल महोदय ने उचित ही काम किया है, क्योंकि आज भी सभी लोग सरकार बना सकते हैं। अगर बहुमत है तो आज तक नहीं गया, चलो एक दिन की जगह दो दिन करते, आज ये तो पांचवा दिन है शिवसेना को मौका दिए हुए। आप जो छह महीने कह रहे हैं, छह महीने का मतलब है कि छह महीने तक भंग नहीं होगी सरकार ने? सुसुप्त अवस्था में ही डाला है। हाँ, अभी भी हाँ। वो तो निर्णय राज्यपाल महोदय को करना है, मुझे नहीं करना है आगे क्या करना, परंतु अभी सबके पास समय है। कोई भी जा सकता है, किसका मौका छीन लिया, कैसे मौका छीन लिया, मेरी तो समझ में नहीं आता। कपिल सिब्बल जैसे विद्वान वकील इस प्रकार की बचकाना आर्ग्यूमेंट्स, बचकाना दलीलें देश के सामने रखते हैं कि हमारा मौका छीन लिया। अरे भाई, आपको मौका है ही, आप बनाओ ना। पर ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कोशिश ही नहीं कर रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंडेट आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, हम जरा भी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम एक अलायंस में चुनाव लड़े थे, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, मगर हम काफी सीटें नहीं लड़े थे, हमारी साथी दल लड़ा था। जब साथी दल ने कंडीशन ऐसी रखना चाहिए जो हमें स्वीकार्य नहीं है, और हम अकेले सरकार नहीं बना सकते, हमारे पास 105 सीटें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मगर जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमें सरकार बनाने का मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले, तो उनके पास मौका है। ये स्पष्टता के लिए ही मैं आज आपके साथ ये संवाद कर रहा हूँ। सर, बीजेपी जो है मतलब एक जहर पी के उन्होंने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। नहीं, आपकी दोनों विचारधाराएं बिल्कुल ही अलग थी, फिर भी आप सरकार बना पाए। लेकिन शिवसेना की कौन सी ऐसी बात है जो बिल्कुल नामंजूर थी कि मैंडेट होने के बावजूद? देखिए, मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है कि ये कमरे में हुई हुई बातों को हम सार्वजनिक करें, और करना भी नहीं चाहिए, सार्वजनिक जीवन की एक गरिमा होती है। परंतु मैं इतना निश्चित मानता हूं कि राज्यपाल शासन डालने से अगर किसी का नुकसान गया है तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, क्योंकि हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट चली गई है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का हुआ है, जो उस वक्त थे, क्योंकि उनकी केयरटेकर गवर्नमेंट चली गई, विपक्ष का नहीं हुआ है। अगर वो चाहते हैं कि इस प्रकार का एक भ्रांति खड़ा करके देश की जनता की हम सिंपथी गेन करें, तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता की समझ पर उनको भरोसा नहीं है। सर, नुकसान आप कह रहे हैं बीजेपी का है, क्या नुकसान लोगों का नहीं है कि विश्वासघात हुआ है कि ये इस? मगर हमने तो नहीं करा है, हमने तो नहीं करा है। तो किसने? हम तो तैयार थे शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए, मगर शिवसेना की कुछ चीजें ऐसी थी जो हम मान नहीं सकते हैं। पहले से था सार्वजनिक प्रचार में मैंने कम से कम 100 बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, और स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने कई बार कहा कि अगर हमारी युति की सरकार आती है, बहुमत आता है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। अब कुछ नई शर्तें आती हैं, तो हमारे लिए इस पर हमारा रिजर्वेशन भी है, पार्टी उचित समय पर इस पर विचार करेगी। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन पर जो हाय तोबा मची है, वो कोरी जनता की सिंपत्ति प्राप्त करने की निरर्थक एक्सरसाइज है, निरर्थक कवायत है, इसके अलावा कुछ नहीं। 6 महीने समाप्त होंगे, तब राज्यपाल संविधान के हिसाब से इस पर उचित विचार कर कानूनी सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमें मौका नहीं दिया गया, राष्ट्रपति महोदय ने बड़ा, राज्यपाल महोदय ने बड़ा गैर संवैधानिक काम कर दिया है, हमारा मौका छीन लिया, डेमोक्रेसी में हमारा राइट है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपका राइट आज भी है, आपके पास संख्या नहीं। आपके पास अगर संख्या है तो आप जाकर सरकार बना लीजिए।